My golden lotus. Hem Nalini. पहले कोलूटोला में एक नया मकान देख के आया। बड़े बड़े तीन कमरे, दो बरामदे, रसोई, स्नान घर और आंगन भी। मेरे पुराने मकान में शायद तुम्हें एक घुटन सी होती, पर ये मकान काफी बड़ा है, तुम्हें पसंद आएगा। दारी पे बोले कोयलिया, कान रस खोले कोयलिया। पश्चिम का कमरा हमारी पढ़ाई और खिड़की के पास मेरी लिखने की मेज और दीवार की तरफ तुम्हारा पियानो। लेकिन गृहस्वामी की जेब के हाल के बारे में सोचा जाए तो शायद अभी पियानो की आवाज में उतनी मधुरता नहीं मिलेगी। देखते हैं तुम्हारी संगीत साधना की क्या व्यवस्था की जा सकती है। डारी पे बोले कोयलिया, कान रस घोले कोयलिया। हमारे नए घर के सबसे भारी साजो सामान का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर महाशय। की जितनी किताबें छप के निकली हैं सब एक कॉपी ऑर्डर कर दी है। तुम जितना भी कहो कि तुम्हें भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन ये एक ठाकुर है जिन्होंने तुम्हें सर से लेके पांव तक भक्तिमयी बनाकर छोड़ा है, और ये बात सभी जानते हैं। सोचता हूं एक पुजारी रख ही लूं जो तुम्हारे आने तक नियम से बुककेस के सामने रोज फूल बेलपत्ता डाले, और ये भी सोचता हूं कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिताजी से बात कर ही लूं। अगर ज्यादा देर की तो तुम्हारे कवि तुम्हें भगाकर ले भी जा सकते हैं। सारी रात अपने सपनों में सोए जागे रे मनवा, आगे भागे रे। अकेले बैठे माँ से बहुत बातें हो रही हैं, है ना? बातें? बातें कहाँ हो रही हैं? वो तो मुझे कोस रही है। क्यों? ऐसे ही भला क्यों कोसने लगी? ये तो बहुत अन्याय है। तुम्हें आज 20 साल पूरे हुए। अगर दूसरे घर की बेटी होती तो आज दो दो बच्चे गोद में लेके मुझे मिलने आती। मैं ही बहुत स्वार्थी हूँ। सुबह शाम कौन दवाई देगा, यह सोचकर तुम्हारी शादी की बात मन में नहीं आई। आपने माँ से क्यों नहीं कहा कि कोई तो चाहिए ना आपको दवा देने के लिए? वो क्यों चली गई छोड़कर? फिर बेटी को नहीं रोकना पड़ता। अरे मेरा बस चलता तो रोक ही लेता तुम्हें। लोग जो कुछ कुछ बोलते हैं समझते क्यों नहीं? रहने दो, चलो। आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले बाबा। लोगों को तो मैं बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हें अलग तरीके से पाला है। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच कोई भेद नहीं किया। आपसे कौन जवाब मांगेगा बाबा? तुम? क्या पता अगर एक दिन अचानक तुम्हें लगा कि बाबा ने मेरी शादी के लिए कोशिश ही नहीं की। तो आप बैठिए, माँ के साथ झगड़ा कीजिए, मैं जाती हूँ। अरे सुनो सुनो तो। बोलिए। इतना साज श्रृंगार किसके लिए? छोड़िए बाबा, सब इंतजार कर रहे हैं। बोलो ना, कोई है क्या तुम्हारे मन में? है तो, लेकिन आप मुझे उस घर में नहीं भेजेंगे। क्यों? कौन है वो मैं जानता हूं।
जानता हूँ। जानते हैं। अच्छा, मैं मिल चुका हूँ। आप जानते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मिल चुके हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे कौन है बता दो। रविंद्रनाथ ठाकुर। हेम। क्यों, उनकी पत्नी नहीं रही, 20 साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए। अगले साल जन्मदिन पर उनके साथ आकर आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगी, ये लीजिए। सुनो तो, ये रमेश को बुलाकर क्या बात कर लूं आज? क्या कहेंगे? यही कि कोई तारीख तो पक्की कर ले वो। ईशन का कहा आप? रमेश आया नहीं अभी तक? नहीं आया है। कितनी बार कहा समय पर आने के लिए, कैसा लापरवाह इंसान है। एक मिनट, पंचानंद। अरे हाँ अक्षय, तुम तो रमेश के घर के रास्ते से होकर आ रहे हो ना? घर में रोशनी दिखाई दे रही थी क्या? नहीं, पर घोड़ागाड़ी से देखा तो शायद दरवाजे पर ताला लगा रहे थे। तब तो वो आता ही होगा, आओ। अच्छा, हम सब थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें? असल में रमेश ने ही सारा इंतजाम किया है, केक का ऑर्डर भी उसी ने दिया है। केक के ऊपर तारीख तो नहीं लिखी होती है ना? और जैसे रमेश बाबू की आदत है, शायद भूल गए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूर से ज्यादा कुछ समझ में नहीं है, ऐसा लगा कोई बूढ़े आदमी थे साथ में, थोड़े गरीब जैसे। हो सकता है कोई विधवा की शादी के लिए चंदा जुटाने निकल पड़े हो, इसलिए ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है। आइए मैडम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। घर में कोई नहीं है, ताला बंद है। मकान मालिक ने कहा कि कल उसके घर से कोई जरूरी खबर आई थी, उसके पिताजी ने उसे बुलाया है, रमेश गांव गया है। अच्छा चलती हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्ते। ठीक है ठीक है। हाँ आओ। शादी कोई ऐसी नई बात तो नहीं है जो तुम्हें इतना आश्चर्य हो रहा है? आश्चर्य की तो बात है कि बिना कुछ कहे सुने किसी ऐरे गैरे के साथ मेरी शादी की बात आप कैसे सोच सकते हैं? ऐरे गैरे मतलब? गरीब की बेटी है इसलिए उसका अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रमेश। उसकी माँ बाहर बैठी है, अगर सुन लेंगी तो। मतलब बाहर जो बैठी है? हाँ, आने वाले 3 महीनों में कोई शादी की तारीख नहीं है, इसलिए और कोई रास्ता नहीं था। आप क्यों नहीं समझते बाबा, ये हो नहीं सकता, आपने एक बार भी मुझे बताया नहीं। पिता होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए जो ठीक लगा मैंने वही किया, तुम्हें बताना जरूरी होता तो जरूर बताता। एब्सर्ड, अगले 3 महीनों में तारीख नहीं है तो मुझे 3 दिन में शादी करनी पड़ेगी, मुझसे ये नहीं होगा बाबा। मैं उन्हें जबान दे चुका हूँ रमेश, एक गरीब असहाय विधवा को मैंने जबान दे दी है। सुना तुमने? मैंने भी किसी को वचन दिया है। नाम क्या है उसका? क्यों, आपने जो लड़की पसंद की मैंने तो उसका नाम नहीं पूछा? उसका नाम सुशीला है, मैंने उसकी कुंडली दिखाई है, वो सुलक्षणा है। पढ़ी लिखी तो नहीं है पर होशियार है, घर का काम खाना पकाना सब जानती है। तुम कोलकाता में जो अकेले रहते हो तुम्हारा ख्याल रख सकती है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे कोई अनपढ़ घरेलू पत्नी नहीं चाहिए तो? धीरे बात करो रमेश, क्या इसीलिए इतना पैसा खर्च करके तुम्हें कोलकाता के कॉलेज में पढ़ने भेजा? छी, मैं किसी से वादा कर चुका हूं बाबा, मैंने उसे कहा है कि मैं उसे शादी करूंगा, और आपने भी किसी को जबान दी है कि मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा, पर ये मेरी जिंदगी है और जिंदगी एक ही होती है, इसलिए मैं अपनी कमिटमेंट को ही ज्यादा महत्व दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे।
मैं वापस कोलकाता जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। रुको रमेश, तुम्हारे दोस्त की बहन क्या अनाथ है? नहीं, माँ नहीं है, पिता है। गरीब है, बेसहारा है? नहीं, कोलकाता में अपना घर है, देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी, गाना भी गाती है, आपको पसंद आएगी। तुमने कैसे जान लिया? जहां तक मैं आपको जानता हूं। कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं। मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानता। मैं गलत सोचता था कि मैं अपने बेटे को जानता हूं, उसकी तरफ से किसी को वचन देने का अधिकार रखता हूं। अगर मुझे पता होता कि वो किसी लड़की के रूप और कोलकाता के घर बार के लिए किसी गरीब विधवा की बेटी के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं, तो सच कहता हूं रमेश, इस शादी की तैयारी में हरगिज नहीं करता। तुम जाओ रमेश, अपना ध्यान रखना, लेकिन इस घर में वापस कभी मत आना। प्रिया हेम, तुम ठीक ही कहती थी, मेरी दुविधा ही मेरी जिंदगी है। अचानक पिताजी के बुलावे पर गांव जाकर देखा, पिताजी ने मुझे बिना सूचित किए मेरे विवाह की तैयारी शुरू कर दी है। उस विवाह को ठुकराने पर पिताजी मुझे त्याग देंगे ये जानते हुए भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचकर अपने निर्णय पर अटल रहा। बारिश होने वाली है, तुम रुक जाओ बेटा। पूरा मत मानना, तुम्हें तुम बुला रही हूँ। उसे जाने दीजिए समधन जी, अगले सोमवार को ही सुशीला की शादी होगी। ना ना बाबा, जाने दीजिए उसे। तुम बाप बेटे दोनों को अलग करके मेरी बेटी इस घर में नहीं आ सकती है बेटा। इससे पहले उसे मैं खुद जहर दे दूंगी। बस मेरी एक बात जरा सुनना, तुम्हारे बाबा ने शायद कुछ भी जाने बगैर हमें वचन दे दिया है, लेकिन उस वचन के भरोसे हमने बहुत आगे तक की तैयारी कर ली है। सोमवार को और कितने दिन बाकी हैं बोलो? सारा इंतजाम हो चुका है, इस विधवा ने अपनी जमा पूंजी पूरी खर्च करके अपनी बेटी को तैयार किया है तुम्हारे घर में भेजने के लिए। अगर रिश्ता टूट गया तो हम दोनों माँ बेटी को जहर करना पड़ेगा। विश्वास करो हेम, पिता का आदेश मैंने ठुकरा दिया, लेकिन इस अनजान विधवा की विनती मैं टाल नहीं पाया। कहीं से दुविधा की एक बाढ़ आई और मेरे संकल्प की दीवार को गिरा कर गई। मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया जैसे धुंधली सी पड़ गई, सारी बातें जैसे बेमतलब लगने लगी। बादल हट चुके हैं, घर जाइए, तैयारी रोकने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम किसी को वचन दे चुके हो। उसे बुरा तो लगेगा, लेकिन जहर नहीं खाना पड़ेगा। नाव मेरी ठहरे जाने कहां, नाव मेरी घाट होते नहीं सागरों में कहीं, नाव ठहरे जाने कहां, नाव मेरी घाट होते नहीं सागरों में कहीं, नाव
जाने कहाँ। नाव का साहिल होगा इसका साहिल कोई नहीं, बारिश में ये कागज की नाव ढूंढे गलियां। नाव जो आकर किनारे पर रुकती है वो किस भयंकर तूफान से गुजरी होगी ये शायद तुम्हारे कवि को ही मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं था। शाम होने से पहले एक महाकाय भयंकर बादल अंधकार में एक तूफान के रूप में आकर हमारी नाव से टकरा गया। आधी तूफान बारिश और चारों तरफ चीखने की आवाज में होश खोते हुए शायद एक बार तुम्हारा ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आया था। है उस प्रलयकारी रात के बाद जब आंखें खुली तब अपने आप को एक नीले आसमान के नीचे नदी के किनारे पाया। सुशीला तुम ठीक तो हो ना? रुको मैं जरा जाकर देखता हूं। हमें छोड़कर मत जाइए। समुद्र के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी चीज छीनता नहीं है, आखिर में लौटा देता है। नदी के लिए भी ये बात सच है, ये मुझे पहली बार पता चला। लेकिन जो चीज नदी की वजह से नहीं अपनी कशमकश की वजह से मैंने खो दी वो वापस मिलने की आशा इस जन्म में तो नहीं है। आज से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी
किसी नए के साथ। लेकिन उस नई जिंदगी में प्रवेश करने से पहले अगर तुम्हें सब सच सच नहीं बताया तो हमारे इतने सालों के संबंध का अपमान होगा। पता नहीं है ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचेगी भी या नहीं। हो सकता है मेरी वही दुविधा में मैं फिर से उलझ जाऊं। बाबा, सुबह से किस बात को लेकर झगड़ा किया माँ से? या आज कोई झगड़ा किया ही नहीं? अरे झगड़े के लिए समय मिला ही कहाँ? देखो ना, अचानक कहाँ से ये भवाल सन्यासी का केस लेकर कितनी हलचल शुरू हो गई। बेमतलब। आपने क्या कहा? कहा? कहा ये केस सब जुडिस है, इतनी जल्दी कुछ कह नहीं सकते। बाबा। क्या बात है? इनर टेंपल से तार मिला है, मुझे चांस मिल गया है। वाह, अरे हेम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आओ आओ आओ। इतनी सुबह कहाँ से आया तार? आया तो था कल शाम को ही, लेकिन बासी मिठाई लेके बाबा को प्रणाम नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज सुबह मिठाई की दुकान खुलते ही गर्म जलेबी लेकर आ गया हूँ। लो खाओ। माँ को प्रणाम करके आओ दादा। क्लास कब से शुरू होगी? बोल रहे हैं अगले महीने में। अभी पता करता हूँ जहाज कब निकलेगा, थोड़ी देर में ही निकलना है, टिकट भी तो लेना है। बैरिस्ट्री की परीक्षा पास होकर जल्दी वापस आ जाना, समझे? मुझे तो लग रहा है ये भवाल सन्यासी का जो केस है ना, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और अगर ये सच हुआ तो बाकी और बैरिस्टरों की तरह तुम भी वही एक केस के सहारे गाड़ी मकान सब हासिल कर सकते हो। कोई चिंता की बात नहीं। सच? आप भी ना बाबा, अपने बेटे को नहीं जानते हैं? लौटेंगे तो देखना किस किसान की जमीन जमींदार ने लगान ना देने पर छीन ली, किस विधवा को घर वालों ने धोखा दिया, सारे मुफ्त के मामले, ऊपर से मुफ्त में कानूनी सलाह मिलती है। ये साइनबोर्ड लिखकर दरवाजे के सामने लगा देंगे और वही बोर्ड देखकर भवाल सन्यासी भी आकर खड़े हो जाएंगे। क्यों? कहेंगे मैं तो सन्यासी हूँ, आपको तो मैं पैसा वैसा कुछ नहीं दे पाऊंगा, तो आप मुफ्त में ही मेरा केस क्यों नहीं लड़ते, और अगर जीत गए तो हाँ, तब आधा राज हम दोनों आपस में बांट लेंगे। और राजकन्या? Thank you.
जी रहा है, आंखें पानी पानी। घर में पूजा कर नहीं है क्या? तुम नहीं खाओगे? आप पहले खा लीजिए। तुम खाकर सो जाओ, मुझे देर होगी। काफी दिनों से किताबें नहीं खोली। ये क्या, आपने दूध क्यों छोड़ दिया? लीजिए, तुम पी लेना। इतना दिमाग चलाना पड़ता है, दूध नहीं पीने से कैसे होगा? दिमाग चलाने के लिए दूध पीना पड़ेगा, ये किसने कहा? मामी ने। मैं जानती हूँ, मैं आपकी तरह डॉक्टर नहीं हूँ, पर इतना तो जानती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, ये तुम्हें किसने कहा? मामी ने कहा। मैं लॉयर हूँ, कानून कानून अदालत जानती हूँ। ओ, वकील। शायद गलती से डॉक्टर सुना होगा। वो जो था के नहीं था, आए तो बताएगा। हमेशा से मुझे लगता था कि वकालत का पेशा तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मेरा अनुमान विश्वास में बदल गया। वकील का काम है अनुमान को प्रमाण देकर सही साबित करना। मुझे तुम्हारे पुराने घर में घुटन हो सकती है, तुम्हारा यह अनुमान ठीक नहीं है। कल्पना भी हो सकती है जो कवि को ही शोभा देती है, वकील को नहीं। तुम्हें पता है, शादी के बाद रविंद्रनाथ बाबू को उनके मकान में छत का कमरा दिया गया था। वहीं पे अपनी बालिका वधु को लेकर नया संसार शुरू किया था उन्होंने। वो जो था कि संगीत साधना की समस्या का एक सरल समाधान बता सकती हूँ। पहले जमाने में राजपूत लोग शादी करने खुद नहीं जाते थे, अपने प्रतिनिधि को भेजते थे। जैसे राजकुमारी कोमलिका की शादी हुई थी राजा की वीणा से। मैं भी सोच रही हूँ अपना तानपुरा भेज दूंगी, उसके गले में ही तुम अपनी वर्णमाला डालना। वैसे भी मेरे साथ मेरा तानपुरा तुम्हारे घर आने ही वाला है। अब मैं ही आऊंगी अपने तानपुरे के साथ, चिंता मत करना। मैं और मेरा तानपुरा दोनों ही शांत स्वभाव के हैं, सौतन की तरह दोनों झगड़ा नहीं करेंगे। ख्वाबों से खेल रहा है, सोए जागे रे मनवा, आगे भागे रे। सोई नहीं अभी तक? ये सारी चीजें चाहिए, कल बाजार से ला देंगे।
लक्ष्मी का पटचित्र, पीतल का बाल गोपाल, पूजा के बर्तन, बताशा, चिरंजी, किसने लिखा है? मैंने। क्यों, कुछ गलत लिखा क्या? तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? मैंने तो सुना था। ज्यादा नहीं, गांव के स्कूल में भेजा था मामा ने। ओ, लेकिन क और ख को जोड़कर क्षणी होता है, वो एक संयुक्त अक्षर है, कल सिखा दूंगा। आपको कुछ हुआ क्या? जरूर हुआ है, सामने परीक्षा है ना? तो परीक्षा से पहले चुप चुप कर मैं भी रोती थी। तुम जाके सो जाओ। याद से सामान ला देना कल, मैं भगवान से कह दूंगी, देखना परीक्षा बहुत अच्छी होगी। When I was a bachelor, I lived all alone and I worked at the weaver's trade. And the only thing that I ever did wrong was to woo a fair young maid. Mukhda, bolo. नीचे पियानो कौन बजा रहा है? अक्षय बाबू, बहुत देर से आए हुए हैं। कितने सारे लाल गुलाब लाए हैं तुम्हारे लिए। ओह, ever did wrong was to keep her from the foggy dew. बाबा से पूछना, वो अभी खाना खाएंगे क्या? पूछती हूँ। इश, तूफान आने वाला है। She said, what shall I do? आपके तानसेन को आज छुट्टी दे दो बाबा। नहीं नहीं, ये टेनिसन नहीं, ट्रेडिशनल इंग्लिश बैल है। अकबर की राजसभा में सुना था कि तानसेन ने मल्हार गाकर तूफान बुलाया था, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश बैलेट भी तूफान ला सकता है। अक्षय बाबू ने आज दिखा दिया। अक्षय बाबू, हम मान गए, अभी घर जाइए, खुद के बुलाए हुए तूफान में खुद ही फंस जाएंगे। सुशीला, सुशीला, खिड़कियां बंद करो। ये क्या, बिजली चली गई, जरूर पेड़ गिरा होगा। आप मुझे सुशीला सुशीला कहकर क्यों बुलाते रहते हैं? नाम बदलने से क्या मेरी किस्मत बदल जाएगी? मैं भाग्यशाली बन जाऊंगी? नाम क्यों बदलना चाहूंगा? भाग्य सौभाग्य में मैं नहीं मानता हूं, तुम्हारे माँ बाप ने जो नाम रखा वही नाम से ही बुलाता हूं। मेरा नाम कमला है, मेरे मामा ने रखा था। मेरे बेटे इसलिए नहीं, जैसा नाम सुशीला स्वभाव भी शांत है, जितना भी मारो पीटो मुझसे चुप ही नहीं निकलेगी। क्यों, मामा ने आपको सब कुछ नहीं बताया क्या? क्या? ओ, तो फिर उन्होंने सोचा होगा सब सुनकर आप मना ना कर दें। सब सुनकर मतलब? मैं जन्म से अभागन हूं। मैं 7 दिन की थी जब मेरे माँ बाप
दोनों गुजर गए। मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया। लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुई इसलिए मामा ने नाम रखा कमला। उससे क्या किसी का नसीब बदलता है? बोलिए, क्या नाम है तुम्हारे मामा का? क्यों, क्या आप इस बात को लेकर अदालत जाएंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मुझे एक बार अपने मामा का नाम बता दो। श्री तारणी चरण भट्टाचार्य। उनका गांव और पता? लो, आप खुद ही तो आए थे मुझसे शादी करने और इतनी जल्दी गांव का नाम भी भूल गए। मानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी तय की, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी शादी की पत्रिका भी नहीं देखोगे। मेरे इकलौते सुपुत्र रमेश की शादी धोबापुकुर निवासी। ये धोबापुकुर कहाँ है? कहाँ धोबापुकुर और कहाँ सागरदाड़ी? मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, बस कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए तो तुम्हें पूछ रहा हूँ। सागरदाड़ी हमारे गांव के दत्ता परिवार के बेटे को आप जानते ही होंगे। कविता लिखने में बहुत नाम कमाया है उन्होंने। क्या मैं पहचानता हूँ उन्हें? कौन कौन है वो? वही जो क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए घर से निकाल दिए गए थे। माइकल मधुसूदन दत्त। तुमने तो अपनी सारी बात कह दी, अब मेरी बात नहीं सुनोगी तुम? जानती हूँ। क्या जानती हो? मेरा नाम क्या है? मेरा घर कहाँ है? काशी में। गलती से डॉक्टर सुना था, आपने सही कर दिया। और मेरा नाम? धत। आपका नाम कैसे ले सकते हैं? रुकिए, लिख कर लाती हूँ। मैं ठीक से नहीं लिख पाई, पर आपने कहा था आप सिखा देंगे। चलो, बिजली भी आ गई, तूफान इतना भी तेज नहीं था। लाइए। पर एक बात तो आपने नहीं बताई, हम काशी की जगह कोलकाता क्यों आ गए? कैसे, कब आए तुम? पता चला तुम्हारे पिता का देहांत हो गया और हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करोगे, सोचा है? नहीं। क्या यहीं रहोगे कुछ दिन? सुना है पुराना घर छोड़ दिया है तुमने,
अब कहाँ रहते हो? नया घर लिया है। नहाने से शायद बेहतर महसूस करोगे। गर्म पानी भूल दूं? ना, घर जाना है। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो कहा। और कुछ? और क्या होगा? जानती हूं किसी भी बात से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा। इस दुख का कोई इलाज नहीं, लेकिन कोई भी दुख हो, बांट लिया जाए तो कम हो जाता है। क्या हर चीज सच में बांटी जा सकती है? ना, पूरी तो नहीं बांटी जा सकती, शायद थोड़ी। अगर मन में विश्वास हो और सोच एक। क्या तुम्हें विश्वास है मुझ पर? अच्छा, प्यार क्या इंसान को स्वार्थी बना देता है जानते हो? मैं अपने दादा से कभी अलग नहीं रही। सोचा था नहीं सह पाऊंगी, बुरा लगा था मुझे। जब जहाज निकल रहा था, दादा डेक पर खड़े हाथ हिला रहे थे। मैं और बाबा दोनों अपने आंसू पोंछ रहे थे। अक्षय बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बराबर दोहरा रहे थे, चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें कैसे बताती? मैं अपने दादा के लिए नहीं रो रही थी, बल्कि इसलिए कि उस वक्त जिस इंसान की मुझे सख्त जरूरत थी, वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं रो रही थी। मत रो हेम। अरे आप कब आए? अभी। वहां क्यों खड़े हैं? बैठे ना, पहले पूजा खत्म कर लो, फिर आपको खाना परोसती हूं। ऐसा क्या देख रहे हैं? तुम्हें ये लो, जैसे कि मैं किसी और की पत्नी हूं। एक्चुअली आई हैव One more favor to ask. Not another child, widow, I hope? Not exactly. She is married. But we call them a grass widow. That's what we call them. I need more details first. Have you informed the police? What about her relatives? She is a relative of mine. An orphan. So you're the local guardian? Yeah. आज भी क्या परीक्षा की पढ़ाई चल रही है? एक बात सच सच बताएंगे? आपको मैं पसंद नहीं आई ना? अचानक ये पसंद नापसंद की बात कहां से आई? तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं
आपसे एक बात कहूं? कहो। मुझे पता है लड़कियों को पसंद ना पसंद करने का कोई हक नहीं, आप लेकिन मुझे बहुत पसंद हो। जब मुझसे कहा गया कि शहर से कोई डॉक्टर आए हैं, हमें देखा नहीं, जाना नहीं, शादी के लिए राजी भी हो गए, मैंने भी सोच लिया जरूर कोई बड़े आदमी का ख्याल होगा, हो सकता है उनका भी एक संसार हो, एक स्त्री हो। स्त्री नहीं, स्त्री। हाँ वही, पर यहाँ आकर पता चला ये मेरा ही संसार है, पूरा अपना। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, जाकर सो जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। अजीब बात है, कभी कहते हो सुशीला और अभी कह रहे मैं कमला, आपकी स्त्री। था तेरी, भूल हो गई, स्त्री। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाइए, आपका सर दबा देती हूँ। रहने दो, कहाँ ना जाके सो जाओ। गलती से सच बात ही कहती थी, मैं स्त्री ही हूँ, मेरे छूने से आपको झटका लग जाता है। क्या बात है इतनी रात को? तुमसे कुछ कहना था, कॉन्फिडेंशियल। लाओ मुझे दो, तुम जाओ। बोलो, कोई नई बात है क्या? मैं जानती हूँ। मुझसे शादी करोगी? है का जवाब पहले दो? बोलो ना। पहले सवाल का जवाब तो तुम जानते हो, शादी अभी कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बता दो। तुम क्या सात फेरों में विश्वास रखती हो? हेम, मेरे पापा रखते हैं, मेरे दादा रखते हैं, ये शादी सिर्फ हम दोनों की नहीं। ठीक है, जोगिन को लिख दो आने के लिए, तारीख जल्द से जल्द पक्की करनी है, अब मुझे और नहीं रुकना। अगले साल तक तुम शादी नहीं कर सकते, उससे पहले तुम। शोक एक साल का होगा या छह महीने का, ये किसने तय किया हेम? ठीक है, मुझे लगा तुम भूल गए होगे, अगर तुम कहते हो तो मैं कल ही बाबा से बात करूंगी। अच्छा, मेरी इतनी जल्दबाजी का कारण नहीं पूछोगी? मैं क्यों पूछूं? तुम्हें बताना होता तो तुम खुद ही बता देते। इतना विश्वास है मुझ पर हेम? तुम जानते हो इसीलिए आधी रात को शादी के लिए पूछने आए हो ना? तो एक वादा करो, कोई कुछ भी कहे तुम्हें, तुम क्या? कुछ भी, कुछ भी, जो भी हो, मेरे बारे में सुनोगी तो मुझसे सुने बिना तुम विश्वास नहीं करोगी? इसका मतलब कहने के लिए कुछ है तो फिर तुम
खुद ही बता देते तो अच्छा नहीं होता? बताऊंगा है, थोड़ा समय दूंगी, वक्त आने पर सब बताऊंगा तुम्हें। उसके लिए समय चाहिए, ये सही वक्त नहीं है। अभी तक सिर्फ सुना ही था, छठ मांगनी पट प्या। मेरी जिंदगी में भी ऐसा होने वाला है, मुझे मालूम नहीं था। इसीलिए तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, तुम बहुत अलग हो, हर मुसीबत का तुम हंस के सामना करती हो। मुसीबत? शादी क्या तुम्हारे लिए मुसीबत है? जाओ घर जाओ, कल सुबह मैं पापा से बात करूंगी। खोया क्या जो पाया ही नहीं, खोया क्या जो पाया ही नहीं, खाली हाथ की लकीरें हैं, कुछ लिखा ही नहीं, कल जो आएगा कल जो जा चुका। ओ रे मन, खोया क्या जो पाया ही नहीं। किसी बुजुर्ग औरत के लिए साड़ी दिखाई? सुहागन या विधवा? सुहागन। उसके साथ पति के लिए धोती, कुर्ता और अच्छा शॉल हो वो भी। किसके लिए वो दिखाई? नहीं वो तुमने तो कहा था अभी किसी को नहीं बताओगे। नहीं वो शगुन जो देते हैं शादी में। अरे वाह, इतना सब कुछ जानते हो तुम, कितनी शादियां की छुप छुप के। इतना कुछ याद रहेगा आपको? मामा मामी के लिए पूजा के नए कपड़े? चिंता मत करो, उन्हें सब भेज देंगे। इश, शादी का पहला साल जाकर देना चाहिए, वैसे ही भेजना अच्छा लगेगा क्या? कौन है ये लोग? मेरे दूर के रिश्तेदार। खाली हाथ की लकीरें हैं, कुछ लिखा ही नहीं, कल जो आएगा कल जो जा चुका। ओ रे मन, खोया क्या जो पाया ही नहीं। बाबा, मेहमानों की लिस्ट देख रहा था जोगी, एक बार देख लेना तो, तुम्हारे दोस्तों में से कोई रह तो नहीं गया? बाबा अक्षय आया है। ओ अच्छी बात है, तुम दोनों मिलकर एक बार देख लेना। वो आपसे कुछ कहना चाहता है बाबा। अक्षय अंदर आओ, आओ। अक्षय मुझे कह रहा था हेम, उसकी बहन जिस स्कूल में जाती है वहां एक नई लड़की आई है, वो कहती है वो रमेश की पत्नी है। मैंने जोगिन से कहा वो खुद जाकर देख आए। फायदा नहीं बाबा, मैं विश्वास नहीं करूंगी। जब तक वो खुद नहीं बोलेंगे मैं नहीं मानूंगी। ओ, जोगिन, अक्षय आओ। नहीं रहने दो, एक सवाल पूछना है। इसे जानते हो रमेश? ये तुम्हारी क्या लगती है? गौर से देखिएगा, क्या यही आपकी पति है? अंदर आओ कमला। आ,
अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है जोगिन रमेश बाबू जाकर हेम को सब सच सच बताएंगे? तुम ही जाकर समझा देना अपनी बहन को। वैसे तो कोई शारीरिक बीमारी नहीं लगती है, शायद मन में चोट पहुंची होगी। लेकिन ऐसे तो शरीर भी जवाब देने लगेगा। कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, पानी की एक बूंद भी नहीं पी। यू शुडंट हैव लेट देम टेक हर आउट सिस्टर। सॉरी, हु इज देम एंड हु इज हर? You're not making any sense, Mr. Chaudhary. Komala is supposed to be my wife and everybody knows. Supposed to be? Is she or is she not? It's a long story. I do wish you hadn't allowed her out. And now we have to leave this city. There is no other option. Don't you think you owe me an explanation, Mr. Chaudhary? आपका और एक नाम है, मुझे तो बताया भी नहीं। उन लोगों ने स्कूल में आकर पूछा, फलाना बाबा को जानते हो? मैंने कहा नहीं। फिर तस्वीर दिखाने से मैं पहचान पाई। काम खत्म हो जाने पर अपनी भगवान की सारी मूर्तियां समेट लेना। एक कोने में ही तो पड़े रहते हैं बेचारे, पानी और बताशे के बिना और कुछ खाते भी नहीं है वो। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं, हम कोलकाता में और नहीं रह पाएंगे कोमला। कोलकाता तो छोड़ना ही होगा। जहां जाएंगे वहीं अपने भगवान की स्थापना कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है हम कहां जा रहे हैं। कहां? काशी। नहीं, अब तक तो कुछ तय नहीं किया है, पर पश्चिम की तरफ ही जाने की सोच रहा हूँ। सुना है आपकी माँ काशी में रहती हैं, चलिए ना वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। वो देखा जाएगा, तब तो तैयारी शुरू करनी होगी। कमला, क्या पूरी जिंदगी मेरी पत्नी बनकर रह पाओगी? मैंने अक्षय से बात की है, वो तैयार है। तारीख बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ निमंत्रण पत्रिकाएं फिर से छपानी होंगी। कौन सी निमंत्रण पत्रिका? क्यों, शादी की? किसकी शादी? और किसकी, मैं तो अक्षय से शादी करूंगा नहीं। तुमने हेम से पूछा? जी हाँ। उसने अपने मुंह से कहा क्या? नहीं, अपने मुंह से तो कुछ कहा नहीं। तो फिर? मैंने उसे समझाया है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। चुप थी वो। चुप रहने का मतलब हमेशा हाँ नहीं होता है जोगिन। कानून की किताब तो यही कहती है बाबा, साइलेंस इज कंसेंट। हेम जब तक अपनी खुशी से और मर्जी से राजी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी विवाह मुझे मंजूर नहीं, और उसकी सम्मति मैं उसी की जुबानी सुनना चाहता हूं। हम लोग कैसे जा रहे हैं? कहाँ? जहाँ भी हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बैलगाड़ी से? ट्रेन से जाएंगे, जैसे आए थे। बच गए। क्यों? स्टीमर पे चढ़ते हुए मुझे बहुत डर लगता है। क्यों, पहले भी तो स्टीमर से जा चुकी हूँ, है ना? हाँ, पर उसी दिन से मुझे नदी, नाव, ये सब देखकर डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। हमारा स्कूल भी गंगा किनारे है, क्लासरूम की खिड़की से नदी दिखाई देती है। एक दिन शाम को काले बादल घेराए, तेज हवा चलने लगी। मैंने खिड़की से देखा, नदी में तैरते नाव सब पानी में डूलने लगे, हवा और तेज होने लगी।
जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। याद नहीं मतलब? जब होश आया मुझे तो देखा चेहरा पूरा गीला है। उन्होंने मुझे उठाकर बेंच पर सुला दिया। ये क्या बात हुई? तुम बेहोश हो गई थी और मुझे बताया तक नहीं? वो लोग तो कहना चाहते थे पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? बताने का जिम्मा क्या सिर्फ मेरा ही है? मुझसे भूल हो गई कमला, विश्वास करो, जानबूझकर तुम्हें दुख नहीं दे रहा हूं। तुम तो जानती ही हो कि मेरा कितना काम रहता है। तुम्हारे बारे में पूछने का समय कहाँ है बोलो? लेकिन मुसीबत में भी मुझे नहीं बताओगी? ठीक है, आज से तुम्हारी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ईश, और वो जो मेरी सौतन, वो कहाँ छोड़ेगी हमें? कौन? आपकी पढ़ाई। वो किस्सा खत्म हो चुका है कमला। खत्म हो चुका? कैसे हुआ? वो तो एक मजेदार परीक्षा है कमला, उसमें पास हो जाऊं तो एक इनाम, फेल हो जाऊं तो भी एक इनाम। जोगिन ने तुमसे कुछ कहा क्या? अक्षय के बारे में? क्या कहा उसने? ठीक ही तो कहा है, बिल्कुल सही। हमारे परिवार की भी एक इज्जत है, आपकी, दादा की। हमारी इज्जत तो इतनी नाजुक नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए, पर तुम्हारा दिल का हाल अभी बहुत नाजुक है। मैंने हाँ कह दिया दादा को पापा। क्यों हाँ कर दी? आप लोगों को मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ है और परेशानी भी। दादा को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दादा ने जो भी किया ठीक ही किया, आप ना नहीं कहेंगे बाबा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, इसीलिए तो आज भी तुम्हारी माँ से मेरा रोज झगड़ा होता रहता है। माँ को सब बता दिया? बता दिया? वो जानती है। क्या कहा माने? कहा उसे मेरी तरफ से कहना जो उसका मन चाहे वो वही करे, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा मन कुछ नहीं कह रहा है बाबा, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। इंसान अगर आज भी मेरे मन में बसा हुआ हो तो ये अक्षय बाबू के साथ अन्याय होगा। आप ये बात दादा को बता दीजिए। बताऊंगा, मन में जो बसा हुआ है उसे जबरदस्ती मिटाने की कोशिश मत करना।
तुमने तो जानबूझ के दिल नहीं लगाया था। अब उसे दिल से निकाल देना भी इतना आसान नहीं होगा बेटी। तो क्या पूरी जिंदगी मेरी ऐसे ही बीतेगी पापा? जिंदगी? जिंदगी इतनी छोटी नहीं है बेटी। जिंदगी, समय, ये सब बहुत लंबी होती है। पर क्योंकि सिर्फ 3 अक्षर का शब्द है ना, इसीलिए हम कभी कभी उसे छोटा समझ बैठते हैं। जिंदगी को अपने रफ्तार में बहने दो, छोड़ दो उसे। देखना, एक दिन जिंदगी तुम्हें खुद बता देगी कि तुम्हारे दिल में कौन होना चाहिए। ये तो बस 1 साल की ही बात थी, इससे तो पूरी जिंदगी नहीं नापी जा सकती है ना। देखो इधर, देखो, ज्योमेट्री तो पढ़ा होगा तुमने। The parts are not equal to the whole. आप मेरे दांत पर ला देंगे पापा? तुम गाओगी? बहते जाना, बहते जाना है, दर्द ही दर्द है, सहते रहना, सहते जाना।
तुम्हारे नए घर का पता। समझा, बड़ी चालाक हो तुम। क्यों? असली नाम तो है गोरखपुर, गोरखपुर चालू नाम है। तुम संयुक्ताक्षर से डरती हो तो लो। इश, मुझे संयुक्ताक्षर लिखना आता है। ये देखिए, ये किसने लिखा है? तुम हमेशा संयुक्ताक्षर लिखना टाल देती हो, मैंने देखा है। लक्ष्मण को लक्ष्मण बोलती हो, लक्ष्मी को लक्ष्मी बोलती हो। वही तो नाम है उनका। लक्ष्मण पुकारने से जवाब ही नहीं देते। बुलाकर देखिए। गलत नाम से बुलाने पर क्यों जवाब देगा? जब भी देखो उछल कूद करता रहता है, उसे हनुमान बुलाकर देखना, जरूर जवाब देगा। कुछ भी कहते हैं, वही उछल उछल कर जाता है और आपके लिए स्टेशन से बंगाली अखबार लेकर आता है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम पढ़ सको इसीलिए लाता है। और तुम तो अखबार छूती भी नहीं हो, सीधा मुखर्जी के घर भेज देती हो। मुखर्जी चाचा को तो बंगाली अखबार नहीं मिलता, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो अखबार पढ़ के मुझे क्या मिलने वाला है? देश विदेश की खबरें मिलेंगी। मुझे नहीं चाहिए, आपको तो सब मालूम है, आप ही बता देना। मैं क्या जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा? अच्छा इधर आओ, जलेबी खा लो। आओ। जलेबी नहीं, जलेबी। बेटा जो भी हो, हेम अब पहले से बेहतर है, पर उसे थोड़ी मानसिक विश्राम की जरूरत है। डॉक्टर के कहने पर कुछ दिनों के लिए हम काशी आए हैं। जब तक मेरा शारीरिक और हेम का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, हमने यही रहने का निर्णय लिया। आशा करता हूँ तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है। अपना ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद लेना। बाबा। कमला, कमला, आपने बुलाया? तुम खेलना चाहती हो उनके साथ? वो बुलाते हैं। मायके में खेला करती थी तुम? ना, मामी अकेली पड़ जाती तो उनका हाथ बटाना पड़ता था। मामा मामी से मिलना चाहती हो? जाओगी? नहीं जाना? अब आप मुझे मामा मामी के पास भेज देंगे? भेजूंगा क्यों, मैं खुद साथ चलूंगा। यहाँ दुर्गा पूजा की छुट्टी तो नहीं मिलती है, पर दिवाली में कोर्ट बंद रहता है। मौसी,
मौसी, आपकी नथनी। देखो तो, मैंने तो इसे खो ही दिया था। तुम्हें गहने पसंद है, खरीदने चलोगी? कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें, बोलो क्या चाहिए। आप मुझे कहीं और तो नहीं भेज देंगे? ना, नहीं भेजूंगा। क्या पुरानी खांसी है? इस बार दवाई ठीक से नहीं लोगी ना तो मार खाओगी। जाओ, ये खांसी बहुत पुरानी है ना? हाँ जी। इलाज नहीं करवाया? नहीं, मतलब दवाई ले रहा हूँ। दवा मतलब? पापा खुद ही अपना इलाज करते हैं। एक होम्योपैथी का बक्सा है, वही है उनका कंपाउंडर। आप अपने कंपाउंडर को कुछ दिन छुट्टी दीजिए, काशी में आया है, थोड़ा घूमने दीजिए, सारनाथ वगैरह ज़रा घूमे। और आप ये दवाई लेते रहिए कुछ दिन, बीच में मैं खबर लेता रहूँगा। लीजिए। कहाँ रुके हैं? वो कोधुलिया के पास, मेरे एक दोस्त का घर है वहाँ, वहीं पर। वो जो पहली दाहिनी वाली गली है ना, वहीं पर। ओ, अन्नपूर्णा विला, मैं जानता हूँ उन्हें। और आप? मैं भी यहीं रहता हूँ, क्या जानना है? मैं डॉक्टर हूँ भी या नहीं। नमस्कार, मिलते हैं। बाबा, डॉक्टर तो पूरी उपनिषद जानते हैं। कमला, खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। कमला, 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 लक्ष्मी, इतना तेज बुखार और मुझे बताया भी नहीं। अरे हिलो मत, दिखाओ। उरी पावा, 102 डिग्री। हाथ लगाते ही मुझे पता चल गया था। लगाना चटका। आज बिल्कुल नहीं हिलोगी यहाँ से, ध्यान रखना ये ना उठे। मैं आज जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाऊँगा, आते समय डॉक्टर से मिलते हुए आऊँगा और दवाई भी ले आऊँगा। आप इतना सोचते हैं मेरे लिए? तो स्कूल क्यों भेज दिया था मुझे? चलो खा लो। रसोई तक जा नहीं पाऊंगी। ठीक है, कहीं मत जाओ, मैं कुछ लाती हूँ। बिस्तर पे ही खाऊं? कुछ नहीं होगा। उन्हें और कोई नहीं मिला क्या चौकीदारी के लिए? एक पुराना अखबार लेकर आना। लो खा लो।
मैं रमेश चंद्र चौधरी ये सूचना देता हूँ कि वाराणसी निवासी श्री नरिनाक्ष चट्टोपाध्याय महाशय की विवाहित पत्नी श्रीमती कमला देवी कलकत्ता में मेरी हिफाजत में सुरक्षित हैं। तुम जाओ। अगर किसी को श्री नलिनाक्ष चट्टोपाध्याय के बारे में जानकारी हो तो कृपया नीचे दिए हुए पते पर संपर्क करें। जाने कहाँ नाम मेरी घाट होते नहीं सागरों में कहीं नाम मेरी साड़ी पहनाओगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें याद नहीं आज मेरी गुड़िया की शादी है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम आओगी नहीं? ये हार लेकर जाओ, अपनी गुड़िया को देना, कहना मैंने दिया है। हर नाव का साहिल होगा इसका साहिल कोई नहीं। बारिश में ये कागज की ना ढूंढे गलियां ना था जब पानी भरेगा मैं भी कहीं बह जाऊंगी। दूर नहीं है कोई किनारा साथ ले लेगी धारा। दूर नहीं है कोई किनारा सागर जाती है हर धारा। दूर नहीं है कोई किनारा शायद इस नौका को मिल जाए किनारा। नाम ठहरे जाने कहाँ आंसू मत रोकिए।
रो लीजिए, जी भरकर रो लीजिए, जब तक मन करे तब तक। फिर अगर सरदर्द करने लगे तो मैं हूं ना, मेरा नाम पता आपके पिताजी के पास लिखा हुआ है, आधी रात को भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बुला लीजिए, मैं चलूं। अच्छा, क्या आप सच मानते हैं कि नाव किनारे पे पहुंचेगी एक दिन? उम्मीद रखने में क्या हर्ज है? आपको मैं क्या बुलाऊं? यहां सब हमें बंगाली डॉक्टर बाबू बुलाते हैं, आप हमें नलिनाक्ष बुला लीजिए। मेरा नाम नलिनाक्ष चट्टोपाध्याय है। कमला, कमला, कहाँ गई थी तुम? मैं डूबने वाली थी, पता नहीं कैसे आपके चरणों में पहुंच गई। आपने मुझे आश्रय दिया, सम्मान दिया, यहां तक कि एक संसार भी दिया। आज पता चला वो सब कुछ झूठ था। मैंने कहा था ना, मैं जन्म से ही अभागन हूं, कुछ भी कीजिए मेरा भाग्य नहीं बदलेगा। जहां से चलकर मैं आपके पास आई थी उसी नदी में वापस जा रही हूं। जब से मिली हूं बस परेशान ही किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना, भगवान आपको खुश रखे। आपकी क्षमा की प्रार्थी, कमला। ऐसी चली जाएगी वो, खा लो, सुबह से तो कुछ नहीं खाए हो, पानी दे। और तुमसे एक बात कहूं बेटा, इतनी सुंदर बीवी थी तुम्हारी, पति पत्नी का रिश्ता तक तुमने नहीं निभाया, इसी दुख से शायद बेचारी ने। कुछ दिन जाने दो, पंडित बुलाकर अंतिम संस्कार कर लेना, और अगर हो सके तो काशी जाकर श्राद्ध भी कर लेना। तुम्हारे पिता की भी अब घाती मृत्यु हुई थी ना, तो फिर अब घाती मृत्यु में दोष लगता है। नहीं, जब तक बुखार नहीं उतरता कुछ नहीं कहा जा सकता। नाड़ी की गति बहुत धीमी है,
दवाई का असर तो होने दो। कहाँ रहती है, कुछ बताया क्या इसने? नहीं, कुछ भी पता नहीं। बेटी, बेटी नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ मिली ये? कुछ भी पता नहीं। हम लोग कुंभ के मेले से वापस आ रहे थे। ये बेचारी घाट पर बेहोश पड़ी थी। बुखार था इसको, तो हम अपनी नाव पर इसे उठा लाए। आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना हुई है? क्या आप कभी किसी सदमे से गुजरे हैं? दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। दुर्घटना तो हुई है, पर चोट गहरी नहीं थी। होती तो शायद अच्छा होता। नहीं खाई ना, इसीलिए शायद आप ऐसा कह रहे हैं। क्या करूं बोलिए, डॉक्टर हूं ना, अपना इलाज खुद ही कर सकता हूं, इसलिए चोट भी खाना चाहता हूं। ये क्या, खुद का इलाज खुद ही करेंगे? क्यों नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तो शायद आपको पता ही होगा। घर में और भी तो लोग होंगे। छोड़िए, चलिए वापस चलते हैं। आपके घर में आप अकेले हैं क्या? ना, मेरी माँ है। अच्छा, आपका नाम किसने रखा था? शायद माँ ने, कभी पूछा नहीं। आपका? बाबा, पार्शियलिटी साफ दिखाई देती है। दादा का नाम सीधा साधा जोगिंद्रो, और मेरा हेम नॉलिनी। उस दिन एक ही गाना गाया था, और भी दो चार गाने की इच्छा थी, लेकिन आपने जो रोना शुरू कर दिया, पता चला दाद जो मिली वो सिर्फ गाने को ही, गाने वाले को तो किसी ने पूछा तक नहीं। वो देख इसलिए, आज यहां कोई त्योहार है, मतलब उत्सव। रुकिए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। जरा संभल के गिर मत जाइएगा। अगर आप चाहें तो मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। से आगे अकेले जा सकती हैं। क्यों? 6 कदम हम साथ चल चुके हैं, 7वां कदम रखने से पहले एक बार। आप तो डॉक्टर हैं, इन सब चीजों में विश्वास करते हैं? आप नहीं करती हैं क्या? मैं नहीं करती। हाथ दीजिए।
अगर मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो आपको अपना नाम बदलना होगा। मतलब? नोलिनाक्ष और हेमलोनिनी, असंभव। आखिर आप मेरा नाम क्यों बदलना चाहती हैं? क्योंकि हमेशा शादी के बाद लड़कियों के नाम ही बदल दिए जाते हैं। आप तो मेरी डॉक्टरी बंद करवा कर ही रहेंगी, मेरे सर्टिफिकेट्स, डॉक्टरी पैड, इन सब का क्या होगा? गंगा में फेंक देना। और फिर? मेरा इलाज क्यों नहीं करते? चोट का इलाज करने के लिए इतना जो तरसते हैं, बाकी जिंदगी भी मैं पूरी आप ही को समर्पित करती हूँ। देखती हूँ कैसा इलाज करते हैं। बीता बीता बीत चुका है, बीता बीता बीत चुका है, इसे पल पल बीत रहा है, इसे पल पल बीत रहा है। सुनो जरा, कैसे हो बेटा? पहचाना मुझे? मैं सुशीला की माँ हूँ। सुशीला, याद है तुम्हें? अरे रहने दो, तो याद है तुम्हें? अभागन थी मेरी बेटी, अच्छा पति उसके नसीब में नहीं था, मेरे पेट से जो जन्म लिया था। बिन ब्याहे लड़के का बोझ बहुत भारी होता है बेटा, इसलिए शादी के लिए जोर दिया था, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अभी उसके याद ही मेरे बाकी जिंदगी का सहारा है। वो शादी तो नहीं, तबाही थी। दो दिन बाद उसकी लाश लेकर आए वो लोग, और ये माँ खड़ी खड़ी देखती रह गई। गाँव वालों ने कहा जो गई वो तो गई, अभी सुनार बुलाकर सारे गहने उतरवा लो। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे घर भी गई थी बेटा, जाकर सुना तुम्हारे बाबा भी, तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। आज पता चला मेरी बेटी अभागन नहीं थी, सुभागन गई थी। ये लड़की कौन है माँ? कौन लड़की? एक नई लड़की को देखा जो घर पहुँच रही थी। वो सुशीला है, लड़की नहीं है वो। तो जा दूध लेकर आ। जो भी हो, नई नौकरानी? भोलानाथ बाबू मिले थे गंगा किनारे, बहुत विनती की, बेचारी बेसहारा, पति ने छोड़ दिया, तो उसे साथ लेकर आ गई। रहने दो से यहाँ। दाल बहुत अच्छी बनी है, क्या आपने बनाई? सुनो माँ, अब तो टेबल पर खाना खाने की आदत डाल लो। क्यों नहीं डालू तो तेरी मेम बीवी आकर मुझे डांटेगी क्या? फूलगोभी भी आपने बनाई, बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छे लगे तो खा ले, इतने सवाल क्यों कर रहा है? तेरी बीवी ने तो नहीं पकाई। अगर सच में मेरी बीवी तुम्हें बनाकर खिलाती और तुम्हारी सेवा की भी पूरी जिम्मेदारी उठा लेती तो मैं निश्चिंत हो जाता। हेम अच्छी पत्नी बन पाएगी मैं जानता हूं, पर अच्छी बहू बन पाएगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। सास की सेवा करने के लिए तो कोई लड़की किसी से शादी नहीं करती है बेटा,
मेरी चिंता छोड़ दो। बहुत मुश्किल से शादी के लिए मन तैयार हुआ है, उसे दुविधा में मत डालो। समझ नहीं पा रहा हूं मां। क्या बेटा? क्या मुझे कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था? तूने तो किया पूरा एक साल। आज भी जब मैं गर्मी में खिड़की खोलकर सोता हूं तब आधी रात को गंगा में तेज हवा चलती है, सारी नावें सब जोर जोर से डोलने लगती हैं, और आज भी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था मां। तूफान में फंसे बाकी लोगों को संभाल रहा था मैं। क्या पता उसे छोड़कर नहीं जाता तो शायद उसे बचा पाता। बेटा जोगीन, आशा है कि तुम कुशल हो। एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। अचानक हेम की शादी तय हो गई है। लड़का डॉक्टर है, काशी के प्रवासी बंगाली है। लड़का हर तरह से हेम के योग्य है। तुम्हें बताए बिना मैं बात पक्की नहीं कर पा रहा हूं। ये खत मिलते ही अपनी राय लिखकर भेजना, मेरा आशीर्वाद लेना। बाबा। पापा वो आ गए। क्यों प्रभात संगीत अभी तक शुरू नहीं किया? वो जो था कि नहीं था, आए तो बताएगा। अब इन सब बातों का क्या फायदा है? सब इंतजाम हो चुका है, मंगनी की तारीख भी उनकी मां ने पक्की कर दी है। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा कहने से तो नहीं चलेगा हेम। उन लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, कोई अन्याय भी नहीं किया है। तुम्हारे नापसंद के लड़के से तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, और जब हो रही थी तब मैंने ही उसे रोक दिया था। इसीलिए तो आप पर मुझे इतना भरोसा है, आप ही समझेंगे। आज रमेश के वापस आने पर तुम उस लड़के को दुख देने जा रही हो। जब ये एक दिन तुम्हें छोड़कर चला गया था तब तुम्हारे दिल का हाल क्या हुआ था, एक बार याद करके देखो तो। वापस आने के लिए चले जाना पड़ता है। वो चले नहीं गए थे बाबा। चले नहीं गए थे?
तो कहाँ थे वो? वो खो गए थे और हम सब ने सोच लिया कि वो हमें छोड़कर चले गए और कोई खबर तक नहीं ली। ठीक है मान लिया, लेकिन एक बार सोचकर देखो तो नलीन का क्या हाल होगा और उनकी माँ, वो क्या सोचेगी? हम तो यहाँ घूमने आए हैं और कुछ दिन बाद चले भी जाएंगे, लेकिन वो लोग यहाँ रहते हैं। हेम ठीक है, मैं खुद जाऊंगी उनकी माँ के पास, जाकर उन्हें सब समझा दूंगी। पर आज मुझे अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेने दो बाबा। पापा, बस आप साथ में रहना, देखना आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। पापा, जू जी, जरा सुन, ये नई लड़की जब देखो मेरे कमरे में क्यों आती रहती है? आती है क्या? मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, मेरी चीजों को हाथ लगाती है, मेरी किताबें छूती है, ये देख मेरी तस्वीर भी तोड़ दी। हे माँ, कांच फर्श पर बिखरी हुई है, मैं साफ करता हूँ। मेरी घड़ी ला दे, भूल गया था। छाया है, सोच रहे थे नहीं आ पाओगी। आ। नदी पर भी बादल छाए हुए थे, डर था कहीं तूफान ना आ जाए। मुझे तूफान से बहुत डर लगता है। ऐसी तूफानी रात थी, वसुदेव ने कृष्ण भगवान को नदी पार करा के वृंदावन छोड़ आए थे। चलो, विद्यासागर महाशय ने भी ऐसी ही एक तूफानी रात में दामोदर नदी पार की थी, माँ के आदेश का पालन करने के लिए। मेरा बेटा भी मेरे लिए बहू लाने गया था हेम, पता ना था कि ऐसा तूफान आएगा। आसमान बिल्कुल साफ था, अचानक काले बादल घिर आए, नदी का पानी उथल पुथल होने लगा। नाव, बाराती, शहनाई वाले सारे लोग सब डूब गए। बाबा विश्वनाथ की कृपा से मेरा बेटा तैर कर किनारे तक पहुंचा, लेकिन दुल्हन नहीं मिली। उसे ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, पर वो बेचारी कहीं नहीं मिली। हाँ, साल भर पहले मेरे बेटे की एक बार शादी हुई थी, मैं नहीं जानती उसने तुम्हें कहा या नहीं, मैंने कह दिया। अब फैसला तुम्हारा है। इसी बात को बहाना बनाकर मैं बिना कुछ बताए जा सकती थी, लेकिन वो सही नहीं होता। मैं आज यहाँ यही बताने आई हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? कोई और वजह?
वही बताने के लिए तो आपको यहाँ तक खींच लाए, लेकिन आप अपने आप को दोषी मत मानिए। क्यों, तुम्हें नलिन पसंद नहीं? हाँ पसंद है। तो फिर मैं तुम्हें कोई भी बात के लिए रोकूंगी नहीं है। मुझे पता है, लेकिन वो बात नहीं है। मैं आपको सारी बात कह नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं ये खत लिख कर लाई हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ये मैंने आपके बेटे के लिए लिखा था, लेकिन आप पढ़ सकती हैं। नलिन की माँ हूँ इसीलिए सोच लिया, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की बेटी, तुम ही पढ़ो। प्रिय नलिनाक्ष बाबू, चोट और जख्म में शायद कुछ फर्क होता है। मैं आपकी तरह डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए शायद दोनों को एक ही समझ बैठी। आपको मुझे समझाना चाहिए था ना, चोट का इलाज करने के लिए आप तरसते रहे हैं, और मैंने भी अपना इलाज करवाने के लिए आपको बढ़ावा दिया। जब इलाज हुआ तो पता चला जख्म जो था वो तो भर गया, पर जो चोट थी वो दिल के अंदर इतनी गहराई तक अपनी जड़ें फैला चुकी थी कि उसे अगर बाहर निकालने जाती तो मेरे दिल में अचानक एक खाली बना जाता। चोट को अपने दिल में अगर कोई पाल के रखेगा, जख्म का दर्द तो उसे सहना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि उस दर्द से आप भी जुड़ जाएं, बस एक अनुमति दीजिए कि वक्त बेवक्त, जरूरत हो या ना हो, अपने इलाज के बहाने अगर मैं आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहूं तो मना मत कीजिएगा। आज तक मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी और जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन पहली बार मांग रही हूं आपसे। चोट के साथ जीने का एहसास तो मुझे है, पर माफी मांगकर जीने का एहसास कैसा होता है वो अब सीखना पड़ेगा। प्रतीक्षा ही मेरी जिंदगी है, उम्मीद करती हूं कि एक ना एक दिन मेरी भी नाव किनारे पर आकर रुकेगी, उसी दिन की शुभ इच्छाओं के साथ आपकी क्षमा की प्रार्थी हेम नोलिनी। रो मत मां, मां खाना दो, भूख लगी है। चल चल मेरे साथ। देखिए मालिक फिर आपके कमरे में गई थी। क्यों, तू गई थी ना? मैं तो दिया रखने गई थी। तुझे तो मना किया था ना मालिक के कमरे में जाने के लिए। ठीक है छोड़ दो उसे, मेरा सारा काम बीजो ही करेगा और किसी को करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं मालिक, कुछ लेकर जा रही थी वो, जैसे ही मैंने देखा छिपा दिया। छिपा दिया मतलब? है माँ जी, पल्लू में बांध कर रखा है, दिखाना नहीं चाहती है। क्या है तुम्हारे पल्लू में? क्या हुआ, माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दो। मैंने कितनी बार पूछा है माँ जी, जवाब ही नहीं देती। सुनो, अगर चीज तुम्हारी है तो हम देखेंगे नहीं, देखना चाहते भी नहीं, लेकिन अगर वो चीज मेरे बेटे की है। माफ कीजिए माँ, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं नहीं दिखा सकती। क्या है तुम्हारे पल्लू में, मेरे बेटे की कोई चीज? अगर नहीं है तो ना कह दो, डरते क्यों हो? तुम पर कोई जबरदस्ती तो नहीं? तुम्हें अपने खोए हुए पति की सौगंध, झूठ मत बोलना सुशीला। बीजू देख तो क्या है उसके पल्लू में। दे दे पोछी, दे अम्मा के, माँ जी कह रही है ना। आ, 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 आ,
कमला, रमेश बाबू आए हैं। दो दिन से बुखार नहीं उतरा है, तुम क्या उनसे बात कर पाओगी? कर पाओगी तुम उनसे बात? उनसे कहिए बैठे। जाइए। पिछली बार भी तुम्हें बुखार था, लगता है जैसे बस कल की ही बात हो। आप यहां क्यों आए हैं? मैंने तुम्हें एक झूठ मूठ का संसार दिया था, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा असली संसार लौटाने आया था। के देखा तो पहले से ही तुम्हें मिल चुका था। क्या सच है और क्या झूठ आपको पता है? ज्यादा सोचो मत कमला, संसार सच्चा हो या झूठा हो, समस्याएं तो आती रहेंगी, इतना सोचो मत। भगवान जो करते हैं सचमुच अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हें तो पता है मैं भगवान को नहीं मानता। तुम्हारे गांव में जो कवि थे उन्होंने एक बात कही थी जो बहुत बड़ा सच है। जीवन एक नदी है, बह जाए एक बार जो फिर वापस ना आए। आज अगर आपके पैर छूना चाहो तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं करूंगा। तुम्हें बुखार है, उठना मत। गोरखपुर का पता तो याद है ना? चाहो तो खत लिख सकती हो, डरो मत, गलतियां नहीं निकालूंगा। आपका नाम लिखना तो बहुत आसान है। अच्छा तो मैं चलूं? बहुत दूर जाना है आपको, थोड़ा शरबत मंगवाती हूँ। बीजू, जाओ अंदर जाओ, वो राह देख रही है।
मनवा आगे भागे रे बांधू सौ सौ तागे रे मनवा आगे भागे रे ख्वाबों से खेल रहा जागे रे मनवा आगे भागे रे आगे भागे रे।